वेलकम टू माय चैनल शशि सर की क्लास। हमने नोटिस किया है अधिकांश लोग इंग्लिश बोलते टाइम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट इसमें अंतर नहीं कर पाते। सपोज आप क्लासरूम में और टीचर आपसे पूछा कि आपने अपना काम कर लिया है, ठीक है, तो अधिकांश लोग रिप्लाई करते हैं आई हैव कॉम्प्लीटेड माई वर्क, या आप ऐसे भी बोल देते हैं आई कॉम्प्लीटेड, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। ठीक है, हम आपको आज यही सिखाएंगे कि आप कब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। देखिए, हिंदी के साथ साथ आपको थोड़ा इंग्लिश भी जानना होगा। हिंदी में पहचान क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का पहचान होता है लास्ट में था, थे, थी, या फिर या, ये, ई, ठीक है। जैसे मैं पटना गया था, मैं स्कूल गया था, मैंने खाया, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? मैं काम कर चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ, ठीक है। अब समझिए अंतर क्या है। इंग्लिश में समझिए, इंग्लिश में होता है प्रेजेंट परफेक्ट, रिसेंटली फिनिश्ड। रिसेंटली फिनिश्ड मतलब कि अभी वर्तमान में कोई काम पूरा किया गया है, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है वो वर्क जो पास्ट में फिनिश हुआ था, ठीक है। अब समझिए, क्लासरूम में टीचर आपसे पूछा कि आपने काम कर लिया है, तो वो प्रेजेंट में, ठीक है, वहां पर बातें प्रेजेंट की हो रही है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। यस सर आई हैव कॉम्प्लीटेड माई वर्क, यस सर आई हैव कॉम्प्लीटेड माई होमवर्क। अब समझिए, मान लीजिए टीचर ने आपको वर्क दिया था, टाइम नहीं मिला चेक करने को, अब वो एक दिनों के बाद, मतलब कि वो पीरियड खत्म होने के बाद अब आपसे पूछता है कि क्या आपने काम किया था, तब आप कह सकते हैं कि यस सर आई हैव कॉम्प्लीटेड। क्यों? क्योंकि अब ये चीजें प्रेजेंट की नहीं है, जो चीज आपको दिया गया था वो चीजें आपने कल या एक दिन पहले ही फिनिश कर दिया था। और यहाँ पर जब प्रेजेंट की बात होती है, मैंने आपसे कहा कि आपने काम कर लिया और आपने प्रेजेंट में कर चुके हैं, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं यस सर आई हैव कॉम्प्लीटेड, क्योंकि आपने अभी तुरंत फिनिश किया। लेकिन उस कंडीशन में जब एक दो दिन बाद आपसे पूछा जाता तो आपने जो काम दो तीन दिन पहले ही फिनिश कर चुके होते तब आप वहां कहेंगे यस सर आई कॉम्प्लीटेड। तो उम्मीद है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आई कॉम्प्लीटेड कब बोलना है और आई हैव कॉम्प्लीटेड कब बोलना है। लास्ट बार एक बार और रिमाइंड करवा देते हैं, जब काम प्रेजेंट पे फिनिश हो तब आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, और कोई काम बहुत पहले ही हो चुका था उसके बारे में बात करना है तो आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। उम्मीद है अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।